भाभी जी बाय लागू। भाभी आजकल के बच्चे ना माँ बाप का पैसा बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं अपने माँ बाप का पैसा कभी वेस्ट नहीं करता था। आजकल के बच्चे अपना मूड फ्रेश करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, चिल्ड्रंस पार्क जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं जाता था। मेरा मूड ना पापा के एक थप्पड़ में ही फ्रेश हो जाता था। खैर भाभी, ये घर वालों की मार है जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ। तो आइए ना भाभी, सफर की शुरुआत करते हैं और आप सब लोगों को आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। क्या कार्तिक ने ली अक्षरा की जान? नैना वीर के संगीत में ब्लू पहनने का आया फरमान? क्या राज अंकल को पता चलेगा ऋषि तनु के हनीमून का सच? रॉकी की रोमांस वाली चाल, शिवांगी हुई प्यार में बेहाल। कल एक औरत का अपने पति से झगड़ा हो गया। उस औरत ने अपनी माँ को फोन किया, बोला, माँ मेरा ना इनसे झगड़ा हो गया है, मैं ना घर छोड़ के आपके पास आ रही हूँ 2 महीने के लिए। उधर से माँ का जवाब आया, हाँ? तेरा झगड़ा हो गया उसके साथ? सुन, अगर झगड़ा हुआ है तो सजा उसको मिलने चाहिए ना, तू वहीं रह, मैं 6 महीने के लिए आती हूँ। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द कब तक बोल कर बताएंगे सारा फसाना, अब कर दे कोई यहाँ, कभी तो समझ जाओ जो था समझाना। वो बारिश आंखों का ये खेल है सारा, निगाहों से बया हो जाता है अफसाना। समझना चाहो तो एक नजर भी है काफी, सब कुछ बोल ही दिया तो क्या रहा बाकी। कुछ ऐसा ही हाल है रॉकी का, जो शिवांगी से इतना प्यार करता है कि उसने अपनी पत्नी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, और वो सरप्राइज क्या था ये आप देखिए। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, प्यार आगे ना फिर टूट कर दे, सदियां काफी नहीं तो खुदा सुंदर था सीन, देखा कि नहीं आप लोगों ने? बोलिए बोलिए। अरे तो कह रहा हूँ कितनी सुंदर लग रही थी हमारी शिवांगी, हमारी मौनी रॉय, और ये तो ब्यूटीफुल सीन, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जल्दी ऐसे वाले सीन जो होते हैं ना फटाफट शूट हो जाते हैं। आई थिंक इस बार उन्होंने काफ़ी वक्त लगाया है, स्नो मशीन लेकर आए, आई थिंक लुकिंग लाइक अ रियली रियली ब्यूटीफुल प्रिटी प्रिटी सीन। ये सब कुछ किया है रॉकी ने शिवांगी के लिए। सबसे पहले तो रॉकी ने शिवांगी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का फैसला किया, और रास्ते में बहाना किया गाड़ी खराब होने का। शिवांगी को भी नहीं लगी रॉकी के सरप्राइज के बारे में भनक। रॉकी ने गाड़ी ऐसी जगह रोकी जहां था एक खूबसूरत बंगला। बस यही तो वो बंगला है जहाँ रॉकी ने शिवांगी के लिए ना जाने कितने सपने संजोए थे। Basically, Rocky is trying to create Sohngarh for her. It's a romantic gesture, of course. जिस तरह शादी हुई थी, there's a lot of tension between the two characters, Rocky and Shivangi. अभी हम 15-20 episode हुए। जी। और ये अभी तक घास नहीं डाल रही मुझे, ये रॉकी पागलों की तरह, उल्लू की तरह, हाँ, इसके पीछे पड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, अलग अलग तरकीबें अपना रहा है, बट so he's just all in vain.
doing something nice or obviously asar hota hai uspe but kitna that is something you still have to wait and watch शिवांगी को खुश करने के लिए रॉकी ने छत के ऊपर चढ़कर डाली ये नकली बर्फ जिसे देख शिवांगी के चेहरे पर आ गई मुस्कान लेकिन इस प्यार के चक्कर में रॉकी ने डाली खतरे में अपनी जान रॉकी का पैर फिसला पर इससे पहले कि रॉकी और कुछ कर पाता शिवांगी को सताई रॉकी की चिंता और वो बुला लेती है उसे नीचे कहीं ना कहीं शिवांगी भी नहीं भूली है अपना पुराना प्यार बीच बीच में उसका प्यार रॉकी के लिए आ ही जाता है वापस लेकिन बदले की आग इतनी है कि वो खुद को कर लेती है रॉकी से दूर नहीं बहुत इजी है शिवांगी के लिए आई थिंक वो जैसे ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करती रहती है कि मेरे माँ के कातिल है माँ के कातिल ये कब तक चलेगा There was one moment of weakness, but I think immediately in the next moment she thinks मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये भी planning है मुझे वापस जाने से या अपना इंतकाम लेने से रोकने की अब देखना यह है कि शिवांगी कब तक रखती है खुद को रॉकी से अलग कभी तो आएगी सच्चाई सामने कि नहीं है रॉकी उसकी माँ का कातिल संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव मुंबई न्यूज 18 इंडिया आजकल की बातों में लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं भाभी कल एक आदमी दर्जी के पास गया बोला यार एक बात बताओ मतलब भगवान ने पूरी दुनिया एक महीने में बना डाली थी और मेरा कोट बनाने में तुम 4 महीने ले रहे हो यार हैं दर्जी बोला इसीलिए तो कहता हूँ कि जल्दी काम नहीं करना चाहिए दुनिया की हालत देख ही रहे हैं ना आप आज भ्रम राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा हर तरफ तबाही मचाकर वो अपना मौत का खेल खेलेगा राक्षस के पागलपन की हद को कोई नहीं पार कर पाया और जिसने भी कोशिश की उसका हाल कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि इन पुलिस वालों का इन सभी ने भ्रम राक्षस के आतंक को रोकने की बेहद कोशिश की लेकिन इन सभी पुलिस वालों को राक्षस ने बेरहमी से मार दिया दरअसल हुआ ये कि रैना को भ्रम राक्षस के असली मालिक की सच्चाई जानने के लिए एक ब्रेसलेट का मिला था हिंट जिसे ढूंढने के लिए जंगल में पहुंची रैना ने कर दिया जमीन आसमान एक और रैना को जंगल में जाता देख पुलिस पहुंच जाती है रैना से पूछताछ करने पुलिस की पूछताछ के बीच रैना को पुलिस के पास ही मिल जाता है वो ब्रेसलेट लेकिन उसी ब्रेसलेट को वापस ले जाने के लिए और सच सबसे छुपाने के लिए भ्रम राक्षस भी दे देता है वहां दस्तक और फिर एक बार शुरू हो जाता है उसका आतंक पर आपको बता दें खुल गया है भ्रम राक्षस के असली मालिक का राज जिसकी शक्तियों में कैद है भ्रम राक्षस और वो कोई और नहीं बल्कि है मोहिनी जिसके इशारों पर नाच रहा है ये राक्षस
लेकिन सच्चाई जब रैना के सामने आएगी तब होगा ट्विस्ट का असली मजा। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी कौन नहीं चाहता कि उसकी सैलरी बढ़े। हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय आया हमारे बॉस के पास, बोला सर पिछले 20 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, बाल सफेद हो गए सर, कुछ कीजिए ना सर। हमारे सर बोले 20 साल से काम कर रहे हो, कुछ तो करना बनता है, लियो 50 रुपया, जाओ जाके बाल काले करवाओ। इतनी लंबी लंबी होके भी इतनी ये 303 बंदूक जैसी है, हील क्यों पहनती हैं? ट्राई करना, हमारा अंगूठा नहीं घुसेगा। देखो सही, मैं करूंगा ट्राई। आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा, आपको खाली हाँ या ना में जवाब देना है। सो इट्स ओनली फॉर यू रणवीर, का एक्टर बनने के बाद ऐसे कभी पब्लिक प्लेस में फाट किया आपने? और वो करने के बाद आप मुतर गए हो खुद ही करके कि हु वाज दैट, ऐसे कभी आपने किया? अगर खता है तो सजा दो मुझे, इतनी देर से यहां वहां भटक रही हूं, मेरे सही घर का कोई पता दो मुझे। मैं एक्चुअली लॉस्ट हो गई हूं, खो गई हूं, थोड़ी रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे घर का। देखो मेरी बात सुनो, तुम ये मस्तानी मस्तानी कहां से लगती हो? तुम जाके किसी होटल में दरबानी लगो। तुम मस्तानी लग रही हो, तुम बेल मछली की जेठानी लग रही हो, तुम मस्तानी कहां से लग रही हो? तुम कुछ भी बैठ के आ जाती है। कैसे कि आपको सबको पता है कि रणवीर इज अ पार्टी एनिमल, तो एक रेस्टोरेंट में ये ड्रिंक के लिए तड़प रहे थे, लेकिन ना जग में था पानी, इन्हें ड्रिंक थी बनानी, मैं निकली सयानी जो आइस लेके आई। क्या बात है, तब से मैं दीवानी मस्तानी हो गई। Let me tell you, I'm not only a doctor, I'm an institution. Oh! और चूहे तो मुंह से पकड़ लेते हैं। आओ तुम्हें मैं अभी पकड़ लेता हूँ, आ जाओ। चूहा पकड़ दे, मैं बाल कुतर दिए इनके सारे। Yeah, he always peeps into the hall of my home. मैं तो यार काम तो है नहीं, मेरे घर में नजर रखनी है कि कौन कुतर रहा है, कौन बुतर रहा है। अच्छा मुतर से याद आया, कल आप यहाँ कुतर रहे थे। एंटरटेनमेंट के इस सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और भावे आपको सुपर से ऊपर की खबर दिखाते हैं। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है वो साध मुरादी सोनी मोहब्बत, गुम है। अच्छा वैसे जजेस ये तो मानना पड़ेगा, इससे पहले हम डांस की बात करें, सबने लाइफ में किसी ना किसी होटल से कुछ ना कुछ जरूर चुराया होगा।
फरा आप बताएं आपने किस होटल से नीचे लो किससे छोड़े होटल से क्या चुराया आपने प्लीज बताएं ये तो ट्रॉली उठा लाया एयरपोर्ट से आप बताएं बाथरूम नहीं दिख रहा देखो पहना हुआ है आज मैंने फरा बाथरूम जैकलीन तुमने क्या चुराया फ्रूट्स एप्पल चुरा के लाती है लड़की वो तो कॉम्प्लीमेंट में ही मिलता है वो करण सर आप बताएं धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्होंने कभी होटल सर बताएं कभी चुराया आपने होटल से कुछ वो पागल सूट नहीं दिख रहा दरबान का बहुत बार जरूर नियत बहक चुकी थी कुछ हाँ। चीजें कभी कभी होटल्स में बहुत अच्छी लग जाती बड़ी कमाल की होती है ऐसा लगता कि इसे मैं डाल दूं लेकिन कारण टीवी कैसे डालेगा बैग में टीवी की चाहत कभी नहीं थी हाँ लेकिन वो बाथरूम चप्पल मैंने चुराई हाँ कई होटलों में होती है देखा करण जौहर ने भी होटल से कुछ चुराया वी लाइक दैट आई लाइक दैट देखा कोम रब है बॉकेट में नोड है नटखट मिजाज है रंगीला कोट है सूरत मासूम है नियत में खोट है पैजामा तंग है ढीला लंगोट है सारे कमेंट्स ऐसे दूं ओहो फोन ले लो भाई अपने अपने हेलो हेलो स्वस्ति हेलो प्रीत जोत हेलो मैम कैन आई कम देन गिव यू ऑल अ बिग हग ने कहा है भाभी कि जिस प्रकार खाना बनाना पार्ट ऑफ लिविंग है ठीक उसी प्रकार बीवी को संभालना आर्ट ऑफ लिविंग है मतलब आर्टिस्ट बनने के लिए शादी करनी पड़ेगी नहीं भाभी नहीं मेरे को नहीं करना ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं ड्रामे का नहीं है कम डोज तक जिस अक्षरा को जाने से रहे थे सभी रोग आज उसी अक्षरा के कातिल का हो गया है सभी के सामने पर्दाफाश जी हाँ सही सुना आपने अक्षरा की मौत कोई आम मौत नहीं बल्कि इसके पीछे है कार्तिक का हाथ जिसकी वजह से अक्षरा को कहना पड़ा इस दुनिया को अलविदा शराब के नशे में कार्तिक चला रहा था कार और इसी वजह से गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट जिसमें अक्षरा की हो जाती है मौत और कार्तिक पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जहां कार्तिक स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा है तो वहीं उसके माँ बाप और घर वालों को उसकी चिंता सता रही है बेटा है वो बेड पे लेटे हुए है उनका एक्सीडेंट हुआ है तो हम किसी भी तरीके से हमारे जो बच्चा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि ना जो अक्षरा का एक्सीडेंट हुआ है वो कार्तिक की वजह से हुआ है जो सभी ना लगे पड़े हैं हर तरीके से हर तरफ से कि ऐसी क्या चीज़ की जाए जिससे हमारा कार्तिक ना निर्दोष साबित हो जाए आप अपने बच्चे को तो बचाना चाहती है स्वर्णा लेकिन एक माँ का दिल और औरत का न्याय कैसे करेंगे आप माँ है तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के बारे में इतना तो जानती है कि वो गलतियाँ कर सकता है लेकिन इस हद तक नहीं कर सकता है वो किसी को मार दे अगर उसने गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी लेकिन जहाँ तक
जो स्वर्णा है वो ये चाहेगी कि पहली यू नो वो उस जो वजह है उसको जानने की कोशिश करे कि क्या वजह है, क्या सिचुएशन थी जो इस वजह से ऐसा हुआ, और लाइक वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को बचाना चाहती है। चलिए देखते हैं कि ये ट्विस्ट नायरा कार्तिक की जिंदगी में क्या ट्विस्ट लाता है, क्योंकि अब नायरा अपने माँ के कातिल से बदला लेगी या प्यार करेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मैं हूँ देश का देवर, सारी भाभियां हैं मुझे भाती। मैं हूँ देश का देवर, सारी भाभियां हैं मुझे भाती, और शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो, रातों में बात तेरी, नींद को दे जगा, तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी, सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा, कितना सोना तू सोना तू हा, कितना सोना तू सोना तू हा। भाभी तेरा देवर देवर, भाभी हमारे पड़ोस के जो पिस्ता भैया है ना, मुझे लगता है कि उनका सिर्फ नाम पिस्ता है, जिंदगी में उन्होंने कभी पिस्ता खाया नहीं होगा। वरना इतने बेवकूफ कल क्या हुआ, लाइब्रेरी से बाहर निकले, बोले अरे ड्राइवर मैं पिछले 3 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था, ना ही उसमें डायलॉग ना ही कोई स्टोरी, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे, बहुत फालतू किताब थी यार, मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए। मैंने कहा भैया किताब का नाम क्या था, टेलीफोन डायरेक्टरी। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो, रातों में बात तेरी, नींद को दे जगा, तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी, सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा, कितना सोना तू सोना तू हा, कितना सोना तू सोना तू हा। सोनी कुड़ी तो नैना है, लेकिन फिर भी वीर को नहीं पसंद है नैना। खामोशी भी है, नजदीकियां भी है, थोड़ी घबराहट भी है, और है थोड़ा सा गुस्सा। कुछ ऐसा ही हुआ वीर और नैना का संगीत, जिसमें हुआ इन दोनों का खूबसूरत सा डांस। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां, सह लूं साथिया। दादी ने वीर और नैना का रिश्ता तो पक्का कर दिया, लेकिन दोनों के ही लिए इस रिश्ते में बंद कर रहना था मुश्किल, क्योंकि नैना नहीं करती है वीर से प्यार, और ना ही वीर को है नैना से वास्ता। वो तो दादी ने नैना के नाम पर कर दी है सारी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वीर को करनी पड़ेगी अब ये शादी। दोनों के बीच ये दीवार इस डांस में देखने को भी नजर आई। मुझे रोमांस कितना था वो नहीं पता, क्योंकि वीर की फीलिंग्स जो है नैना के लिए काफ़ी डिफरेंट है, सो मे बी उसने एक आउट ऑफ रोमांस नहीं, आउट ऑफ नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए उसने किया। नर्वसनेस थी, पहली बार मैं मेरे होने वाले के साथ डांस कर रही थी, और मेरे भाई बहन भाई भाभी मुझे देख रहे थे, तो थोड़ी शर्म आ रही थी, बट इट्स ओके। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। इस खास संगीत का थीम रखा गया है ब्लू, जिसमें सभी नजर आए नीले रंग के कॉस्ट्यूम में।
लेकिन इन सब के बीच सबसे खूबसूरत दिखी नैना। हाँ, मैंने ही डिसाइड किया था। हम एक्चुअली रैंडमली आ गए। ये देखो, सबसे बेस्ट अटायर था इनका, जो सारे कपड़े बचे थे वो सबको एक साथ डाई करने डाल दिया और फिर जो निकला वो उसने से ये बना दिया। वैसे नैना की भाभी ने भी खूब किया इस पार्टी में एंजॉय। पता नहीं कहां से वो कोई खास रस्म ढूंढ लाई जिसमें करनी थी लड़के वालों की बुराई। रोली सूरत दिल के छोटे प्लान है इनके मोटे मोटे। अजीब थी रस्म, लेकिन लगता है निकाल ली मैडम ने मेहता परिवार पर सारी भड़ास। फिलहाल तो संगीत हुआ शानदार, लेकिन अब शादी होगी इससे भी ज्यादा जानदार। पर शादी में आएगा एक महा ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट क्या होगा, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी, जिस प्रकार चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ठीक उसी प्रकार आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका दिमाग चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज चलता है। कल एक अध्यापक ने बच्चे से पूछा, बताओ बेटा पानी में चलने वाले वाहन का नाम बताओ। बच्चा बोला, पानी में चलने वाला वाहन बस। दिमाग खराब है, बस कभी पानी में चलती है? हाँ ना, हमारे दिल्ली में जब बारिश होती है तो सारी बस पानी में चलती है। कहते हैं करते हैं जो मर्जी। ये बैठे ऑन ड्यूटी बजा रहा है पांडे जी सीटी। आप दोनों में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब तक उस परफॉर्मेंस को अच्छे से बेहतर और जब बेहतर से श्रेष्ठ नहीं कर देते, आप दम नहीं लेते। मैं इश्क करता हूँ। नहीं, ये शेर नहीं था, फीलिंग से शेर अब आएगा। मेरा इश्क इबादत है, ना समझना इसे बीमारी। कहाँ मुंह में दही जमाए हो, बोलो। इश्क इबादत है, ना समझना इसे बीमारी। हम सो छोड़ के गांव नहीं जाएंगे, हम पे है 1200 रुपए की उधारी। मेरी देसी जो लुक पकड़ा है आपने दो बार, आई थॉट इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और आपको पता है कि ये शार्प एंड देन स्लो इट डाउन एंड देन शार्प एंड स्लो इट डाउन, वो एटीट्यूड मुझे सबसे खतरनाक लगता है आपका। आई हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग योर एक्ट टुडे। भाभी, दुनिया में ना बेवकूफों की सच में कमी नहीं है। कल एक आदमी ने अपने नौकर से बोला, रामू बाहर जो आदमी आया है ना, उससे जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। रामू ने बोला, मैंने उसको कई बार बोला लेकिन भरोसा नहीं करता है। अरे यार छोड़ो, मैं ही जाके बोल देता। ये
स्वागत पर फतेह हासिल करने के बाद आखिरकार होने जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। जल्द ही चंद्रगुप्त बन जाएगा मगध का राजा और चंद्रगुप्त कर रहा है राज्य से बड़े बड़े वादे। मैं आज पूरे देश को संबोधित करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा, हम सब का लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, हमारे राज्य का विकास और हमारी मातृभूमि की रक्षा। चाहे वो विदेशियों से हो या हमारे घर के अंदर बैठे विदेशियों से। चंद्रगुप्त मौर्य का मगध के राजा वो है, तो अभी सारी जो अंदर जो चल रही थी सेरेमनी वो उसी की है, कोरोनेशन सेरेमनी। और हम लोग, मैं नंदिनी बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरे पिता को और भाइयों को मार के मगध को हरा के राज्य को इनफैक्ट एक तरह से छीना है, जीता है जो भी। पर ऐसे मौके पर चंद्रगुप्त ने भी सुनाया एक अहम फैसला। आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि आज से मगध के महामंत्री बनेंगे वो जिनके मार्गदर्शन के कारण चंद्रगुप्त बन पाया। आज सबके समक्ष प्रस्तुत है मेरे आचार्य चाणक्य। चाणक्य जिन्होंने रखा था चंद्र के सामने नंदिनी से शादी का प्रस्ताव। चंद्र ने ठुकरा दिया उस प्रस्ताव को और कर दिया नंदिनी से शादी करने को मना। पर उसी वक्त वहां आती है नंदिनी, जिसने कर दी है शादी के लिए हाँ और पलट दिया है सारा खेल। जी, राजतिलक के बीच में मैं एंट्री करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं, उसके फैमिली के लोग और पूरी सभा में जो भी है सब लोग। तो आई थिंक नंदिनी कुछ तो षड्यंत्र रच रही है चंद्रगुप्त के अगेंस्ट। चंद्र नंदिनी की चाल और इस हाना के बीच देखना ये है कि चंद्र नंदिनी की प्रेम कहानी कैसे अपनी राह पकड़ती है, और या फिर ये कहें कि बदले का खेल कैसे आगे बढ़ता है। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। खबरी भाभी। बिग बॉस के घर की कहानी भी बड़ी अजीब है, कब क्या ट्विस्ट आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे ही कुछ मजेदार ट्विस्ट लेकर आ रही मैं विद्या बालन इस वीकेंड। अभी अभी घर में एक बहुत ही गहरी दोस्ती गहरी खाई में गिरती हुई नजर आ रही है, देखिए। So, I'm just telling you generally, कि आप ध्यान रख सकती हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। क्या करना है, जाकर सबको समझाना है? नहीं, पैम्फलेट दूं उनको जाकर कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, आदर डाल दो अपने आप में। अगर नहीं सह सकते तो प्लीज डोंट टॉक टू मी उन्हें ना यार। Everybody can go on and say मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, तो क्या होगा? How on earth am I supposed to know how it's going to sound to Mona or to Manu or to Manveer? अभी आप इतनी हाइपर हैं और मैं आराम से बात कर रहा हूँ। Unnecessary aggression, out of place लगता है। मैं एक्चुअली आपसे जवाब सवाल कर रही हूँ अच्छी तरह से, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं अग्रेसिव हो रही हूँ, ऑब्वियसली मैं अग्रेसिव हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस बात को लेके कि मैं आप ही से सबसे ज्यादा बात करती हूँ 40-42 डेज में, और आप ही मेरे पास आकर बोलते हैं कि यू आर सो अग्रेसिव, कंट्रोल योरसेल्फ, बी केयरफुल। आई एम सॉरी, नहीं होगा मुझसे, नो, आई जस्ट कैन नॉट डू इट। ओके, मैं एक पब्लिक जगह में हूँ। एग्जैक्टली, तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है ना with the way I see things, then just don't talk to me, yaar. And I'm just gonna be the way I am. And people who have an issue with it can also just bye. You also, Gaurav, especially to you, this message goes. आज हमारे गेस्ट हैं सीजन 8 के विनर गौतम गुलाटी और सीजन 9 की फाइनलिस्ट मंदना करीमी। गौरव जी, बार बार बानी को बोल रही है कि वॉच व्हाट यू सेइंग, बहुत इमेज कॉन्शियस अब लगता है बानी, ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा दिल से गिर गई। हमारे सामने कैमरा है, इमेज है, और उसका ख्याल मैं आखिरी दिन तक रखूं। कैन आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, अब बहुत बोरिंग लगता है। आपको इस वक्त मुझे एक नाम बताना है, विदाउट एनी कारण, वी गो स्ट्रेट टू द खलनायक की कुर्सी। स्वामी ओम, ओम जी, ओम जी, ओम जी, ओम जी, ओम जी।
मैं आपसे जानना चाहता हूं ओम जी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सबके सब सदस्यों ने एक सेकंड नहीं लिया किसी ने सोचने के लिए। वो पहले से ही तैयारी थी। हाँ या ना मैं जवाब, गलती है इसमें? नहीं, पर मेरी गलती है, उसके लिए मैंने रोहन से भी माफी मांगी। एक तरफ आप ये सब बोलते हो, दूसरी तरफ कैमरा में आके माफिया मांगते हो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये मेरे विरोधी नौ है, मैं अकेला हूँ। नौ के नौ लोगों ने आपको बॉयकॉट किया था। ये जो सोच इनकी घर में है वो सेम सोच बाहर भी तो है लोगों की। ओम जी, श्री कृष्ण का भक्त मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बॉयकॉट करे फिर भी मैं अकेला जीत के दिखाऊंगा। ओम जी, ओम जी शांत बैठिए। मनवीर, क्या आप इस बॉयकॉट का समर्थन कर रहे हैं? भाई बिल्कुल करूंगा, कुछ चीजें ऐसी थी। मुझे ये इन्होंने सजा दिया और एक नहीं ट्रिपल पनिशमेंट दिया मुझे। आप मनवीर हो गया? फॉर गॉड सेक थोड़ी देर के लिए चुप रहो। आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या वॉर जोन में हूँ क्या? मैं अकेला हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हाथ लगाना किसी को अलाउड ही नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए टोटली एक्टिंग करता हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं ना। स्वामी ओम जी को मैंने कभी बात कर दी। चले गए सलमान खान जो होस्ट है, वो ऐसे हाथ करके पीठ मोड़ के जा रहा है और आपको एंटरटेनमेंट लग रहा है? ये एक्टिंग है, एंटरटेनमेंट है? एक भी आवाज सुनने नहीं दे रहा है, वो बोल क्या रहे हैं? अन्याय का ये शासन है, अच्छी बात है। बार सुना क्यों? इस दिन का वेट करते हैं 7 दिन कि वो आएंगे, सब कुछ क्लियर करके जाएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि तो तभी तो मैं कहता हूं मुझे आप सिखाइए। अरे चुप रहो, चुप रहना सीखो। इस सीजन के अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट कब्जा करने आ रहे हैं हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। पुराना हिसाब चुकाने आई। बहुत हो गई मन्नू मनवीर की मनमानी, अब लिखूंगा मैं घर में एक नई कहानी। इस घर में इतने सारी ब्यूटीज, नो मैन टू अप्रिशिएट ऑल दैट। वेल लेडीज, आई एम कमिंग योर वे। खबरी भाभी, तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। तो अर्ज किया है कि वो पत्नी से प्रताड़ित है इसलिए घुट घुट कर जीता है। वो पत्नी से प्रताड़ित है इसलिए घुट घुट कर जीता है। वो दूध का जला नहीं है फिर भी छाछ फूक फूक कर पीता है। 500 रुपए नहीं लेता हूँ। पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इस वक्त हमारे पास भी यहाँ होने की एक वजह है, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ है वजह तुम हो की स्टार कास्ट। तो चलिए सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे कि क्या है ये वजह। हर मूवी बनाने की कोई ना कोई वजह होती है। इस मूवी की वजह ये थी कि कुछ अनोखी स्क्रिप्ट थी एंड कुछ नया करना था और टाइटल भी वैसा कुछ चाहिए था जहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो वजह तुम मुझे वेरी रोमांटिक टाइटल। शर्मन, आपसे जानेंगे कि हिट स्टोरी में रोमांस करने के बाद इस बार आप पुलिस ऑफिसर बने हैं। जी जी, पहली बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आया ये किरदार निभाने में। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। भूषण और विशाल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा अनोखा कैरेक्टर दिया जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और क्योंकि मैंने कभी नहीं किया तो और भी मेरे लिए यू नो एक्साइटिंग था, और उसके पहलू को समझना और उसको कैरेक्टर को ठीक से निभाना। सर, मेरी क्वालिफिकेशन का क्या है? ये जो मेरी सर्विस रिवॉल्वर है ना, मैं जब चाहूँ जिस पे चाहूँ चला सकता हूँ। सना, आपके पास आते हैं, बहुत ही गॉर्जियस लग रही है ट्रेलर में, जो अभी तक ट्रेलर देखे हैं वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। आपकी पहली फिल्म है, कितनी एक्साइटेड है?
ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, तो एक्साइटमेंट एक तो फिल्म रिलीज़ होने का होता है, प्लस अगर आपकी पहली फिल्म हो तो डबल एक्साइटमेंट होता है. और अगर उस पर कॉन्सेप्ट ये हो कि यू नो इट्स अबाउट विच इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स अबाउट हैकिंग लाइव मोड ऑन टीवी, आई थिंक इट्स सेल्फ जो कॉन्सेप्ट आपको वो एनर्जी देता है और जो वाइब देता है, आई थिंक इट्स अमेजिंग. बहुत दिन से टीवी के फैंस आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी फिल्म आने वाली है, बहुत ही रोमांस कर रहे हैं आप सना के साथ. बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में. आपने सब कुछ जवाब दे दिया, बट हाँ मिस कर रहे हैं, लेकिन यू नो अब जाके मिस नहीं करेंगे क्योंकि वजह तुम आ रही है 2 दिसंबर को. और कैरेक्टर मैं लॉयर प्ले कर रहा हूँ और किरदार का नाम रणवीर. 465 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत थी. Do you have any proof? पैसे और कनेक्शंस के बल पर ये कुछ भी कर देता, तुम जैसे मिल जाती उन्हें बचाने के लिए. What do you mean तुम्हारे जैसे? I genuinely feel Rahul is innocent. बहुत ही रोमांटिक केमिस्ट्री आप दोनों की दिख रही है, तो आपकी वाइफ देबिना का क्या रिएक्शन था? देबिना का रिएक्शन बहुत अच्छा था. यू नो जब उन्होंने प्रोमो देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और विशाल से उनकी बात हुई. एंड हाँ जी सना, अभी तक जो ट्रेलर देख के नजर आ रहा है तो ऐसा लगता है कि वजह सिर्फ आप ही हैं. थैंक यू यार. बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे. वजह तुम हो, वजह तुम. I'm the only girl in the film, तो कहीं ना कहीं एक वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टेंशन दिखता ही है ऑन स्क्रीन, बिकॉज इज नॉट द गर्ल हु शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस. सो मे बी दैट्स द रीजन यू आर फीलिंग दैट, बट अदरवाइज आई थिंक ऐसे कुछ नहीं है. दिल में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरी हर राह की मंजिल भी तुम हो. अब और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मेरे जीने की वजह तुम हो. सलमान खान के साथ आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं, तो उन्होंने देखा आपकी फिल्म का ट्रेलर? या ऑफ कोर्स आई एम श्योर देखा. कुछ कमेंट्स मिले इस पर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे. वजह तुम हो. मरेगा राहुल तो मरने दो, धरती से एक पागल जानवर ही तो कम होगा. भाभी कपड़ा तलवार से नहीं सुई से सिया जाता है, इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों की बहुत वैल्यू होती है. तो आइए ना भाभी, आपको भी टीवी इंडस्ट्री की कुछ छोटी छोटी खबरें दिखाता हूँ. सीरियल की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी सबसे पहले पहुंची है, ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां भल्ला परिवार के लड़के पहुंचे हैं एक पार्टी में, लेकिन उनके पीछे पीछे इशिता, आलिया और सिमी अपना अपना गेटअप बदल कर भी यहाँ पहुँच गए, ताकि ये पता लगा सके कि कहीं ये लोग तो नहीं कर रहे हैं कोई गलत काम. फिर कर देंगी ये तीन देवियाँ अपने अपने पतियों का जीना हराम. लेकिन पार्टी में सब कुछ होता है ठीक, जिसकी वजह से ये तीनों का हो जाता है दूर सारा शक. अब हमारी गाड़ी पहुंची है कसम के सेट पर, जहां हनीमून पर पहुंचे ऋषि और तनु का हाल लेने पहुंच जाते हैं राज अंकल. माउंट आबू में राज अंकल का होता है सरप्राइज विजिट. वो तो बाल बाल बच गए ऋषि, एन वक्त पर आगे तनु और उसने मलाइका की जगह ले ली, वरना आज तो ऋषि की लग गई थी क्लास. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है कानपुर स्टेशन पर, जहां गौरव खन्ना की शादी के बाद उनकी मां ने रखी है माता की चौकी, जिसमें घर वालों के साथ गौरव और उनकी नई नवेली दुल्हन ने भी जमकर लगाए ठुमके. भाभी इस वीकेंड पर कुछ लोग परेशान हैं, उदास हैं, मायूस हैं. उनका कहना है कि हमारे जेब में पैसा नहीं है, इसलिए यार मजा नहीं आ रहा है. बताओ भाभी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या खुशियाँ पैसों से खरीदी जा सकती हैं? नहीं ना,
अरे इस मौसम में 100 ग्राम मूंगफली के साथ एक अदरक की चाय पीकर देखिए, मजा ही आ जाएगा। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त उछला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना, फिर मुलाकात होगी भाभी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।